करीब 16 लाख की जनसंख्या वाला ये खूबसूरत शहर धनबाद। पर इस खूबसूरत शहर को हमेशा शर्मिंदा होना पड़ा। धनबाद 2014। गंदगी, प्रदूषण, कहीं कचड़ों का ढेर तो कहीं गंदगी फैलाते हम इंसान। न सोच में बढ़ोतरी, न सोच में विकास। कई कोशिशें की, कई तरीके अपनाए, पर बदलाव कुछ भी नहीं। क्या यह ठहराव हमेशा के लिए था? शायद नहीं। धनबाद 2017। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर अग्रवाल, महापौर धनबाद। कुछ बातें करना चाहता हूं धनबाद के बारे में कि जब हम लोग धनबाद नगर निगम की बागडोर लिए थे, उस समय की जो धनबाद की स्थिति थी, चारों तरफ गंदगी से पटा पड़ा था शहर। चप्पे चप्पे पे गंदगी थी, जिसके कारण हम लोग सबसे गंदे शहर में नामित भी हुए थे। पब्लिक टॉयलेट्स की काफ़ी कमी थी, इंडिविजुअल टॉयलेट्स की काफ़ी कमी थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब लगभग 50,000 घरों में, इंडिविजुअल घरों में शौचालय नहीं थे, अपने शौचालय नहीं थे। तो नगर निगम इस को चैलेंज लेते हुए, पूरे नगर निगम की ताकत झोंक कर, हम लोगों ने लगभग 42,000 घरों में इंडिविजुअल शौचालय बनाए और सैकड़ों की संख्या में कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट और जगह जगह पे, और आज भी वो अनवरत जारी है कि जहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग के पास अपना जगह नहीं है, अपना टॉयलेट बनाने का जगह नहीं है, वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट दे करके, पब्लिक टॉयलेट दे करके कम कि इस व्यवस्था को पूरी तरह हम लोग दुरुस्त कर लें। और हम लोगों ने इसमें काफ़ी सफलता पाई है और आज लोग शान से और अपने स्वाभिमान से अपने घर में एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। खासकर महिलाएं जो एक टॉर्चर्ड जिंदगी जी रही थी, उनके जीवन में काफ़ी मूल चूल परिवर्तन हुआ है और वे एक स्वाभिमान के साथ और बड़े गर्व के साथ हम लोग को वेलकम करती थी। जब उनके पड़ोस में हुआ करता था, बोलती अब मेरा हो जाना चाहिए। और हम लोग के लिए एक सुखद अनुभव था कि हर घर में हम लोग शौचालय बनाने में सक्षम हैं। ये शौचालय 1/8/2016 को बनाई गई है। ये डिलक्स शौचालय उस सब शौचालय से अलग है। धनबाद को स्वच्छ रखने के लिए एक बड़ा घटक था डोर टू डोर कलेक्शन, और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए पहले हम लोगों ने काफ़ी एनजीओस को लगाए और घर से कचरा सीधा डिस्पोजल स्थान पे जाए, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास किए शुरुआती दौर में। और फिर धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करके हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन को एक मैकेनाइज्ड रूप में देने का काम किए। और अभी की जो स्थिति है, हमको लगता है कि आने वाले 1-2-3 महीने में ये डोर टू डोर की व्यवस्था हमारी पूरी मुकम्मल हो जाएगी। हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, कचरा उठाते हैं और गाड़ी भर जाता है तो कंप्रेसर मशीन में जाकर उसको डंप कर देते हैं। एडवांस स्टेज कॉम्पैक्टर स्टेशन में जाना कि घर से कचरा निकले और सीधा कॉम्पैक्टर स्टेशन में जाए और कचरा कॉम्पैक्ट होकर के डिस्पोजल के जगह पे जाए, ये व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी थी। जिसके मुतल्लिक हम लोगों ने जिन्फ्रा नामक एक कंपनी को हमने अपना नॉमिनेट किया कंसल्टेंट, और उन्होंने 10 स्थान बताए जहाँ पे कि कॉम्पैक्टर स्टेशन बनाने थे। वो कॉम्पैक्टर स्टेशन बना करके हम लोगों ने तैयार किए, और तैयार करने के बाद आज हमारे ये कॉम्पैक्टर स्टेशन शहर के मैक्सिमम जगह को कवर किए हुए हैं।
हीरापुर कॉम्पैक्ट स्टेशन का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2016 को शुभारंभ किया गया। यहाँ पर धनबाद के करीब 8-10 वार्ड के वार्ड का कचरा यहाँ आता है, जिसमें 8-10 ट्रैक्टर हैं और 25-26 ट्रिपर्स हैं जो सारे कचरा को ढो करके यहाँ लाते हैं। हम सुबह घर से 5:30 बजे निकलते हैं, 6 बजे ड्यूटी में आ जाते हैं। उसके बाद गाड़ी सफाई वफाई करके निकालते हैं। सर्किल में जितने भी डस्टबिन में कचरा सब उठाते हैं, उठा करके ला करके कंपैक्टर मशीन में गिराते हैं। ये सारे कचरे टिपर्स और ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पहुँचते हैं, जिसे हम लोग कचरा आकर के पहले बकेट में डाला जाता है, बकेट से फिर मशीन में डालते हैं और मशीन में भरने के बाद इसे इस तरह के मैंने जो गाड़ी है इस पर उठा करके मशीन को उठा करके और बढ़िया हिरगा करके इसको डंप कर देते हैं। सारे कचरे घर से निकल के कॉम्पैक्टर स्टेशन और कॉम्पैक्टर स्टेशन से फिर अपने गंतव्य जगह पे डायरेक्ट जाते हैं और बगैर किसी स्मेल के और जरा पूरा कॉम्पैक्टेड स्थिति में सारा कचरा जाता है कि अगल बगल को थोड़ा भी हानि नहीं पहुंचाते हुए। इस व्यवस्था को कायम करने में हम लोग कामयाब हुए इन दिनों। इसके अलावा हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छता बूथ इस्टेब्लिश किया है। यह बूथ ठीक उसी तरीके से होगा जैसे मतदान के समय हम मतदान बूथ को आयोजित करते हैं। हमारे प्रत्येक स्वच्छता बूथ पे 2 कार्यकर्ता होंगे जो नगर निगम के कार्यकर्ता होंगे। ये सभी जनता के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से स्वच्छता को लाना है, हर एक घर का नारा बनाना है और किस तरीके से जनता का फीडबैक प्राप्त करना है, इस संदर्भ में आपको अवगत कराएंगे। ये स्वच्छता बूथ धनबाद नगर निगम की ओर से लगाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। ये SSLNT महिला कॉलेज में अधिक संख्या में छात्राओं का गहन होता है, तो इसमें छात्राओं को हम ये बताते हैं, इस बूथ के माध्यम से उन्हें ये बताते हैं कि हमें साफ सफाई के लिए कैसे जागरूक होना चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो वो नगर निगम को देना चाहिए और कहीं भी कचरा हो या कुछ भी हो तो वो हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम साफ रखें, हर लोगों को इन्फॉर्मेशन दें कि कूड़ा है तो कूड़ेदान में फेंके। इन्हीं प्रयासों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था शॉप टू शॉप का प्रोग्राम, जिसके तहत हम लोग पूरा नगर निगम की टीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ अपने बाकी स्टेक होल्डर के साथ हम सभी दुकानदारों तक गए, उनसे अपील की, डस्टबिन रखने की अपील की, नो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक से बैन की अपील की, इसके साथ चीज़ों में सुधार नजर आना शुरू हो गया। पहले जब हम लोग आए थे धनबाद में तो केवल 4 मजदूर हर वार्ड में दिए जाते थे सफाई कर्मी और ये संख्या काफ़ी अपर्याप्त थी। हम लोगों ने इस संख्या को बढ़ाकर आज के डेट में पहले 14 किया पर वार्ड, फिर बाद में 27 हर वार्ड में किए, अब कुछ कुछ वार्ड में हम लोग 40 तक की भी संख्या किए हैं जहाँ ह्यूज कमर्शियल स्पेस है और अब 2 टाइम सफाई हो रही है। जो भी कमर्शियल स्पेस है वहाँ 2 टाइम झाड़ू लग रही है, 2 टाइम वहाँ के कचरों का डिस्पोजल हो रहा है और उसके बाद हर अंचल में इसे 5 जोन में धनबाद को बांट के हर अंचल में एक एक और अच्छे मतलब पढ़े लिखे MTech MBA वाले लड़के प्रोग्राम अफसर के नाम पे हम लोगों ने दिए, जो बखूबी आज सफाई की गुणवत्ता को दिन प्रतिदिन ये लोग अच्छा करते जा रहे हैं। तो ये सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं, इसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि जब तक जनता का सहयोग हम लोग को नहीं मिलेगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी लिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें और जो काम हम लोग सोच रहे हैं 6 महीने में करने का वो काम हम लोग 1 से 1.5 महीने में करके दिखा दें। बस एक पल लगता है एक छोटे से जगह को साफ करने में, पर काफी वक्त निकल जाता है इसे साफ रखने में, क्योंकि शायद एक अरसा बीत जाता है किसी की सोच बदलने में। पर अब इनकी कोशिश, इनकी मेहनत और इनके सोच को देख के ये लग रहा है कि सच धनबाद बदल रहा है अब। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा। मैं इस स्वच्छता अभियान से इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और मैं मिलकर धनबाद को एक स्वच्छ शहर बनाने में मदद करें। गीले कचरे को हरे डब्बे में और सूखे कचरे को नीले डब्बे में डालें। धन्यवाद। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, सल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। 2016 में अंतिम पायदान के साथ 2017 में एक अच्छे स्कोर के साथ हम लोग आए और उम्मीद करते हैं 2018 में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में आके एक अपना धनबाद शहर का अलग पहचान बनाएं। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपवासा की आंगन आंगन गाएगी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 को लेकर के आपके किए गए प्रयासों और आपके की जाने वाली भागीदारी को लेकर के नगर निगम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और हमारा नारा है, आपका मतदान धनबाद की शान। थैंक यू। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। आपका बढ़ाया हुआ एक कदम, ये 16 लाख लोगों का एक कदम हमें 16 लाख कदम आगे ले जाएगा। पूरे देश में जब तक नंबर एक पोजीशन हम लोग ना ले लें तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। धन्यवाद।